अल्हम्दुलिल्लाह कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफा अम्मा बाद फऔधु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू وقال الله في موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز ومكرم سامعين كرام بزرگان دين حالات حاضرہ آج ہمارے سامنے ہیں जिन चीज़ों को लेकर एतराज़ात किए जा रहे हैं वो मुसलमानों की शरीयत है, मुसलमानों की शरीयत के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। कभी नमाज को लेकर, कभी अज़ान को लेकर, और आजकल पर्दे को लेकर, हिजाब को लेकर एतराज़ात किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि औरतें आज़ाद हैं, इनको आज़ादी के साथ रखने की और रखने की इजाज़त देनी चाहिए। जिस तरह मर्द रास्ते के ऊपर निकलकर कारोबार के अंदर मशगूल होता है, इसी तरह औरतों को भी इनके शाना बशाना चलने की ज़रूरत है। यह आज मगरबी तहजीबी का कल्चर इस हिंदू पाक के अंदर नाफिस करना चाहते हैं, शरीयत के अंदर मुदाखलत की जा रही है, हालांकि हमारा इस्लाम बाहया इस्लाम है, बाहया मज़हब है। पाक दामनी हमारे मज़हब ने सिखलाई है। हमारा मज़हब शर्म हया का मज़हब है, उसकी तालीम इफ़्फ़त और इस्मत की तालीम है कि इंसान अपनी पाक दामनी को संभाल कर ज़िंदगी गुजारे। ये शरीयत इस्लाम की मेन तालीमात में से है। और जब एक चीज़ देखने में मिलती है कि इंसान अपने मज़हब की जिन चीज़ों को छोड़ता हुआ जाता है, तो मुशरिक तबका, गैर मुस्लिम तबका उन्हीं चीज़ों के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देती है और कहते हैं कि ये चीज़ें मुसलमानों के अंदर से नहीं होनी चाहिए, मुसलमान इन चीज़ों को छोड़ दे। आजकल बेहयाई आम हो चुकी है, औरतों का पर्दा निकलता हुआ जा रहा है। जब गैर मुस्लिमों ने देखा कि औरतें खुद पर्दे से नफरत कर रही है, तो आज एतराज़ कर उठे, क्या ये मुसलमान बाहिजाब नहीं रह सकती, इनको बेहिजाब कर दिया जाए। हालांकि ये तहजीब दौरे जाहिलियत की तहजीब है कि उस ज़माने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से कबल हालात ऐसे ही थे कि हया और पाकदामनी की चादर को तार तार कर दिया गया था, औरतों की इज्जत को सरेआम लूटा जाता था, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, हत्ता के बच्ची की पैदाइश को माशरे के अंदर एक अजीब सा समझा जाता था और एक घिन सा महसूस किया जाता था। उनके चेहरे के ऊपर अंधेरिया छा जाया करती थी। कुरान करीम तस्किरा करता है, वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था दल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कदीम, कि जब उनमें से किसी एक को लड़की की खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारे घर बच्ची की पैदाइश हुई है, लड़की की विलादत हुई है, तो इस बात को सुनकर पूरा दिन उसके चेहरे के ऊपर मायूसी के आसार छा जाते थे। यह तवारा मिन अल-क़ौम मिन सूइ मा बुशिर बिह, जिस चीज़ की उसको खुशखबरी दी गई है वो खुशखबरी उनके लिए बुरी चीज़ थी, उनके लिए खुशखबरी नहीं थी, बुरी खबर थी। तो इस बुरी खबर को सुनकर पूरा दिन वो अपने कौम से छुप छुप कर जिंदगियां गुजारते थे। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, उसको जलील व खार छोड़ दिया करते थे या उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया करते थे। जब मासूम बच्ची
छः साल की उम्र को पहुँचती तो उसको अच्छे लिबास जेबतन किया जाता और बाप कहता कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ और जाकर उसको कब्रिस्तान के अंदर या किसी जंगल के अंदर गड़ा खोद कर उसको दफन कर दिया जाता था। तो लड़की की विलादत को ऐब शुमार किया जाता था और इसकी पैदाइश के ऊपर सरे आम या तो उसकी इज्जत की धजियाँ उड़ाई जाती थी या उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए मजहब इस्लाम के ऊपर कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात दी गई तो कुरान करीम का जब नुज़ूल हुआ तो इरशाद हुआ वला तख्तलू औलादकुम खशियत इमलाक कि अपने औलाद को तह तह ना करो, अपने औलाद को ना मारो फाका कशी के डर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बंदोबस्त करने वाला है, इंतजाम करने वाली जात तन्हे तन्हा अल्लाह की है। وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا कि रूए ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी चरिंद परिंद इंसान हैवान है सारी चीज़ों की सारे जानवरों की जिंदगी का रोजी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है। तफसीर की किताबों के अंदर लिखा है इस आयत करीमा की तफसीर के तहत कि जब हज़रत मूसा आला नबीना अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ और फिरौन के जाओ और फिरौन के सामने मज़हब इस्लाम अपने दीन को और खुदा की वहदानियत का इकरार कराओ, खुदा की वहदानियत को उनके सामने बयान करो, तो मूसा आला नबीना अलैहिस्सलाम इंसान थे और इंसान जब किसी बड़े आदमी के पास जाता है और पता होता है कि ये बड़ा आदमी है ज़रा सी लफ्जिश होगी तो मेरे सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, मेरी जान को ले लिया जाएगा, तो बशरी एतबार से इनको भी खौफ हुआ और इन्होंने कहा कि अल्लाह मेरे अहल आयाल का क्या होगा, मेरी जान तेरे पास आ जाएगी, मुझे इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, लेकिन मेरे पीछे मेरे अहल आयाल हैं। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि जाओ, सफ़र हुआ, देखे पत्थर है, पत्थर के अंदर पत्थर को फोड़ने का हुक्म हुआ, उसके अंदर से कीड़ा निकल रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि इस कीड़े को ज़िंदगी कौन दे रहा है, जब वो अल्लाह इस कीड़े के अंदर ज़िंदगी दे रहा है तो तुम्हारे अहल आयाल की भी ज़िंदगी देने वाला रोज़ी का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसी आयत करीमा की तफसीर के अंदर गालिबन तफसीर मज़हरी के अंदर ये वाक़ नक़ल किया गया है। तो खैर, तो इंसान दौर जाहिलियत का ये ज़माना था कि लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और ऐब शुमार किया जाता था इनकी विलादत को, लेकिन मज़हब इस्लाम ने आके इनको इफ़्फ़त व इस्मत के साथ रखने की तालीम दी और इरशाद फरमा दिया वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला कि अपनी बीवियों को अपने घरों के अंदर रखो, इनको घर की मलका बना दिया। और ज़माने जाहिलियत के अंदर जिस तरीके से लड़कियाँ और औरतें बेपर्दा और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके सरे राह चला करती थी, इस तरह मुसलमान औरतों को नहीं चलना है। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, नमाजों का क़याम व अक़िमन सला व आतीन ज़का ज़कात की अदायगी। गर्ज मज़हब इस्लाम जब आया तो वो औरत जिसको हकारत की निगाह से देखा जाता था, मज़हब इस्लाम ने आकर उसका मकाम इतना बढ़ाया कि आज तक के जितने भी बातिल मजहब आए किसी मजहब के अंदर औरत का इतना मकाम और मर्तबा नहीं। आज जो मजाहिब हिंदुस्तान के अंदर है, हम उन मजाहिब का जायज़ा लें तो किसी मजहब के अंदर जब शौहर की वफात होती है, शौहर का इंतकाल होता है, उसको जब जलाया जाता है तो साथ में जिंदा औरत को भी जला दिया जाता है, वरना उसको इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी तलाक नहीं हो सकती, तुम अब बेवा होने की हालत के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजारो, तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, दूसरे शौहर के साथ ज़िंदगी अब नहीं गुजार सकते। लेकिन मज़हब इस्लाम ने आकर ये सारी चीज़ों का खात्मा कर दिया। और जब ज़माने जाहिलियत के अंदर बेहयाई आम थी तो मज़हब इस्लाम को हया और पाकदामनी का जेवर देकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया और आकर इसने मज़हब ने इस बेबाक मज़हब ने हया पाकदाम ने इफ़त इस्मत की तालीम दी और औरतों को किस तरह रहना है, किस तरीके से बाहर अगर निकलने की ज़रूरत और हाजत पेश आ रही है, किस तरीके से लोगों के सामने जाना है, किस तरह सरे राह चलना है, हर चीज़ की तालीम अल्लाह के नबी सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी।
और यह भी इरशाद फरमा दिया है। उस जमाने के अंदर सहाबा तो सोचते होंगे कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। हदीस मुबारक के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर कपड़ा पहनने वाली ऐसी औरतें हैं जो कल क़यामत के दिन नंगी होगी। ये जब फरमान सहाबा ने सुना होगा तो उनके तसव्वुर से ये बाला होगा, वो तो सोचेगी भी नहीं, वो तो सोच भी नहीं सके होगी कि ऐसा भी दौर आएगा कि औरत कपड़ा पहनेगी लेकिन कपड़ा दर हकीकत उसकी जीब उसकी जेब जीनत को नशो नुमा देगी, उसकी जेब जीनत को इजहार करेगी, उसके नशेब व फराज को इजहार करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि आज कपड़े कम से कम होते हुए चले गए हैं। मज़हब इस्लाम ने जो कपड़े का निज़ाम फरमाया था उस निज़ाम को छोड़कर आज मुसलमान औरतों ने भी अपने कपड़े को कम से कम करते हुए चले गए। और कुछ लोग तो इतने गरीब है कि उनके पास सतर छुपाने की है मालदार, लेकिन कपड़ों के एतबार से वो गरीब है कि उनके पास बदन छुपाने के लिए कपड़े नहीं। मज़हब इस्लाम ने तो कह दिया इदा लम तस्तहयी फसना माशी, कि हया जब इंसान के अंदर से फौत होती है तो उसके कदम बुराइयों की तरफ गामजन हो जाते हैं, गुनाह करना उसके लिए आसान हो जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर है कि हया तो सिर्फ खैर ही है, हया अगर कोई आदमी के अंदर होगी, किसी औरत के अंदर हया होगी तो उस औरत से सिर्फ खैर ही की उम्मीद की जाती है, शर उससे नहीं सादिर होगा। और जब बेहयाई आएगी फसना माशीत तो इंसान जो चाहे कर गुजरता हुआ चला जाएगा, क्योंकि हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, बाप के देखने का खौफ ही नहीं, अल्लाह देख रहा है उसका कोई खौफ नहीं। तो मज़हब इस्लाम ने औरत को इफ़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। हिजाब ये औरतों के मकाम को बढ़ाने वाली चीज़ है, औरतों की इज्जत को, औरतों की रिफ़त को बढ़ाने वाली चीज़ है। और आज दुनिया का मुशाहदा है कि जो औरतें बापर्दा हुआ करती हैं लोग उसको इज्जत की निगाहों से देखते हैं, माशरे के अंदर उसका मकाम होता है, उसका मर्तबा, उसका रुतबा लोगों के दिलों के अंदर होता है, लोगों के दिलों के अंदर उनकी अजमत होती है। लेकिन जो बेपर्दा औरतें होती हैं लोगों के दिल से उनकी अजमत निकल जाती है, उनकी हकारत लोगों के कुलूब के अंदर आ जाती है। जो समझदार तबका है वो ये समझता है कि जो बेहया औरतें हैं, जो बेपर्दा औरतें हैं, ये मजहब की धजियाँ उड़ाने वाली औरतें हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी है मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म, जिन चीज़ों की अदायगी का हुक्म तुमको दिया तुम उसको इख्तियार करो। व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिन चीज़ों से रोका उससे रुक कर ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। यह आयत करीमा ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान औरत इस आयत के ऊपर अमल पैरा हो जाए तो पूरे मजहब इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होने की हकदार होगी। ये आयत करीमा बड़ी बलीग है, मुख्तसर से जुमले के अंदर पूरे मजहब इस्लाम को बयान कर दिया गया कि कैसा भी मकाम आ जाए अगर तुम्हें कुछ देखना है कि इस मकाम के ऊपर मुझे किस तरह जिंदगी गुजारना है, इस शोबे के अंदर मुझे किस तरह रहना है, ये जॉब मुझे किस तरह करना है, ये कारोबार मुझे किस तरह करना है, तालीम दे दी गई कि रसूल को देखो, रसूल की तालीम जो है वही तुम्हारी तालीम है। अगर रसूल ने इससे मना कर दिया है तुम इससे बाज आ जाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बापर्दा घूमने से औरतों को मना फरमाया। किसी मौके के ऊपर नबी ने इरशाद फरमाया था कि औरतें रास्तों के किनारे से चला करें, बापर्दा होकर चला करें। यह फरमान जब औरतों के कान के अंदर गया तो औरतों की औरतों का ये मनसब था, औरतों का ये मकाम था कि जब वो रास्ते के ऊपर चलती तो उनके कपड़े दीवारों के ऊपर मस होने लगे थे, दीवारों के साथ लग जाया करते थे, इतने किनारे से चला करती थी। क्योंकि फरमान नबूवी था कि रास्ता किनारे से चला जाए, औरतों के लिए जेब नहीं देता कि वो रास्तों के दरमियान से चले, अगर रास्ता चलने की बारी आ रही है तो वो किनारे और साइड से चले। लेकिन आज देखिए ऐसे चलते हैं कि पूरा रास्ता जैसे उनकी मिल्कियत के अंदर हो, कि रास्ते के अंदर हटने का नाम व निशान नहीं। ये एक किस्म का अतिक्रमण हो गया कि पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है वो ऐसा लगता है कि इसके म्यूजिक समझती हो, कि हटने का नाम ही नहीं, उस हॉर्न की तरफ उसका कान जाता ही नहीं और वो अपनी बातों के अंदर मगन रास्ता चल रही है। और बुरके भी आजकल ऐसे हो चुके हैं
जो जेब जीनत वाले हैं। हालांकि बुरक़े की जो औसाफ बयान किए हैं कि बुरक़ा ऐसा हो कि लोगों की निगाह उसकी तरफ ना जाए, बुरक़ा ऐसा हो कि ढी ढाला ढाला बुरक़ा, चेहरे का बुरक़ा, चेहरे का पर्दा भी आज के ज़माने में ज़रूरी है, क्योंकि चेहरा ये बेहयाई के लिए सबसे मौजू चीज़ है कि इंसान जो किसी औरत के ऊपर फरेफ्ता होता है वो चेहरे के देखने की वजह से। आजकल नया फैशन निकला है वो आँखें खुला रखने का, आँख इंसान की आँख आँख से मिलती है तो फिर ताल्लुकात बढ़ते हुए चले जाते हैं। पहले ज़माने में हमने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा कि वो पर्दा भी ऐसा किया करती थी कि आँख तो दिखती भी न थी। हाँ, उनको दूसरी चीज़ें दिख रही है लेकिन कोई उनके उनकी आँखों को देख नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे मालेगांव के अंदर भी ऐसे पर्दे आ गए। आज भी पालनपुर का इलाका पर्दे के मामले में बड़ा सख्त है कि ऐसा पर्दा, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत हो, लेकिन पर्दा वहाँ का पर्दा हुआ करता है कि पता ही नहीं चलता कि इस बुरके के अंदर कोई नौजवान लड़की चल रही है या कोई बुढ़िया औरत चल रही है। इतना ढीला ढाला बुरका मालेगांव के अंदर भी वही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे नई तहजीब आती गई, नया कल्चर आता गया और हमने अपनी तालीमात को छोड़ दिया। इससे बड़ी बेगैरत कौम किसी कोई कौम नहीं रही कि जिनको इतनी अच्छी तालीमात दी गई, हर मकाम के ऊपर इनको तालीम दी गई। किसी मज़हब के अंदर हर मकाम की तालीम नहीं है, हत्ता कि बैतुल खला का तरीक़ा भी बतलाया गया, नजासत करने का तरीक़ा, उसको साफ करने का तरीक़ा। उठाइए हिदाया, ठंडी के मौसम में पाखाने की जगह को किस तरह साफ करना है, गर्मी के ज़माने के अंदर किस तरह साफ करना है, सारी तालीमात मजहब इस्लाम के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद आज बेरुखी कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान है। इस्लाम आज गैर कहने के ऊपर ये तैयार हो गए कि सबसे बेहतरीन मजहब, अगर दुनिया के अंदर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, और सबसे खराब कौम अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। एक तरफ वो इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान की वो तारीफ की बजाय उनके तारीज़ी जुमले कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, एतराजात कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमने अपनी तालीमात को छोड़ा। याद रखना मेरे अजीज़ो, आज हम अपने घर का माहौल देखें, अपने घर के अंदर की मस्तूरात को देखें। जिनको औरत बनाया गया था, जिनको मस्तूर बनाया गया था, मस्तूरात कहते हैं हम, औरत जबान से अल्फाज अदा करते हैं, इसके माने को भी तो कभी गौर कर लिया करो कि मस्तूर तो कहते हैं ढांकी हुई चीज़ को, और ज़ाबता है जो कीमती चीज़ होती है उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है। हीरा मोती सोना चांदी कोई खुले आम लेकर नहीं चलता, सोनार की दुकान के ऊपर इसी तरीके से नहीं रख देते, बल्कि कांच के अंदर उसको हिफाजत से रखा जाता है, हत्ता कि उसके वजन करने के तराजू को भी कांच के अंदर रखा जाता है। इसी तरह किसी के पास माल ज़्यादा आ जाए तो उसको खुले आम उसका बिस्तर बिछा कर नहीं सोता है, बल्कि उसको तिजोरी के अंदर या किसी अच्छी जगह पर महफूज जगह के ऊपर छुपा के रखता है। तो पता चलता है कि जितनी चीज़ कीमती और नाजुक हुआ करती है उसको इंसान हिफाजत के साथ रखता है। हमारी माएँ और बहनें ये हमारी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो बहन है कि जो भाई के हाथ भाई के दस्तबरदारी करने वाली है, भाई का हाथ साथ निभाने वाली है, भाई के हर काम में मदद देने वाली है, और एक हमारी माएँ हैं जो हमारी हर चीज़ करने के लिए तैयार है। तो इनको फिर हम कैसे बेहिजाब सरे आम ला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। पर्दा इनके लिए नहायत ज़रूरी है। जहाँ पर मोमिनीन को हुक्म दिया, मोमिन मर्दों को हुक्म दिया गया है, वहीं पर मोमिन औरतों को भी हुक्म दिया गया। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर की मस्तूरात को मस्तूरात बनाएं, अपने घर की मस्तूरात को पर्दे के अंदर रखें, और ये पर्दे में हो और इनकी आंखें बेपर्दा हो तो इससे बड़ी बेगैरती और क्या होगी। जब इंसान पर्दा कर रहा है और उसकी आंख बेपर्दा हो, जब औरतें हमारी घर की माएँ और बहनें पर्दा कर रही हो और उनकी आँखें बेपर्दा हो, तो ये तो कोई पर्दगी नहीं है, ये तो कोई पर्दा नहीं हुआ, बल्कि हर उज्व का पर्दा होना चाहिए, हर जिस्म के उज्व का पर्दा होना चाहिए, उनकी आँखों का भी पर्दा हो। जब हमने उनको मोबाइल दिला दिए, हमने अपनी माँ और बहनों को मोबाइल ला कर दे दिए,
तो उनका अगर वो गलत इस्तेमाल कर रही है तो याद रखना अद्दालु अलल खैरि कफाइली वद्दालु अलल शर्रि कफाइली, बुराई की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा ही है जैसा कि खुद बुरे काम को अंजाम देने वाला। आज सबसे ज़्यादा बेहयाई जिस चीज़ से आ रही है वो आजकल के फ़ोन है कि इंसान जो गुनाह करना चाहे, जो बेहयाई के मनाजिर देखना चाहे, यूट्यूब खोलेगा देखता हुआ चला जाएगा, वक्त का पता भी नहीं चलता, रात रात कटती हुई जा रही है, फजर की नमाजें गायब है। आज हमारी माएँ और बहनें घरों के अंदर फजर की नमाज नहीं पढ़ती, जोहर की नमाज उनकी नमाज कज़ा होते हुए जा रही है, उनको एहसास तक नहीं कि हमारी नमाज कज़ा हो रही है। कहाँ जा रहा है हमारा तबका? यह शहर जो मीनारों का शहर कहा जाता है, जो इल्म अमल का शहर कहलाया जाता है, लेकिन जब हकीकत के अंदर कोई जाता है तो पता चलता है कि बज़ाहिर तो ये मीनारों का शहर है लेकिन अंदर इन मीनारों को मिसमार करने वाले पैदा हो रहे हैं। वो माए जो बेहया होगी कब उनकी औरतों के अंदर बाहया औरतें पैदा होगी, बाहया लड़के और लड़कियां पैदा होगी? हरगिज नहीं। किसी कहने वाले ने, किसी लिखने वाले ने लिखा था कि जब औरत की जात से इल्म ख़त्म हो जाता है तो उसकी नस्ल बेइल्म पैदा होने लगती है, और जब औरत बेपर्दगी के अंदर शर्म हया उसकी ख़त्म हो जाती है, बेपर्दगी के अंदर वो आम हो जाती है, तो फिर उसकी नस्ल से हया और पाक दामनी का तसव्वुर करना ये नामुमकिनात में से। जब घर की औरतें बापर्दा होगी, बाहया होगी, तो आने वाली नस्ल से शर्म हया इफ़त और इस्मत की उम्मीद लगाई जाए। वरना तो आजकल का मुआशरा कि बच्चा पैदा होता है रोने लगे तो मोबाइल दो, म्यूज़िक चालू करो, वो कहानी लगा दो, और हर कहानी के अंदर म्यूज़िक डाल दिया गया है। मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया कहते हैं कि इन म्यूज़िक के पीछे इनका इतना बड़ा अमला काम कर रहा है कि अल्लाह की पनाह, और इस म्यूज़िक से वो इंसान को कहाँ पहुँचा देंगे। इसी के ऊपर मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब का भी बयान मौजूद है कि इंसान को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये आला इस्तेमाल किया है कि अभी म्यूज़िक कानों के अंदर जा रही है और आगे चल कर खुद ये म्यूज़िक बजाने वाले बनेंगे, खुद ये गाना गाने वाले बनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत के हम अपने घर की मस्तूरात को मस्तूरात बनाए, उनको बापर्दा घरों से बाहर निकलने की तलकीन करें, और मुसलमान मर्दों के शाना बशाना चलना ये हमारे कल्चर की तालीम नहीं, हमारे मज़हब की तालीम नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। बल्कि अर्थ वो सिनफ़ नाजुक है, उसका मकाम अलग है, हमारा मकाम अलग है। और इसी तरह जहाँ औरतों के पर्दे की बात आती है, उनकी निगाहों की हिफाजत की बात आती है, उससे पहले रब कायनात मुसलमान मर्दों को तंबी करते हुए और इनको हुक्म करता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, कि मोमिन मर्दों से कह दिया जाए कि वो अपनी निगाहों को महफूज रखे, अपनी निगाहों को पस्त रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये इनके लिए काबिल तज़किया चीज़ है, ये इनके क़ुलूब को मुज़क्का करने वाली चीज़ है। आज शेख ज़करिया अलैहि रहमान ने अपनी आप बीती के अंदर लिखा है कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, पंज वक्ता नमाज के पाबंद हैं, जिक्र अज़कार पाबंदी से करते हैं, सुबह शाम की तस्बीहात उनकी जबान पर जारी है, गर्ज हर इबादत के पहलू को देखा जाए तो उनकी जिंदगी के अंदर कामिल तौर पर इबादत का पहलू नजर आता है। लेकिन फिर जब उनसे पूछा जाए कि इबादत की रूहानियत, इबादत की रूहानियत, इबादत का मजा तुम्हें आता है, नफी के अंदर सर हिला कर रख देंगे। शेख ज़करिया अलैहि रहमान लिखते हैं कि जब तक के इंसान की निगाह महफूज नहीं रहेगी उस वक्त तक के उसको इबादत का मज़ा नहीं आ सकता। ये अल्लाह ने आंखें दी है गलत नज़रें डालने के लिए नहीं, बदनज़रियाँ करने के लिए नहीं, बल्कि ये आंखें हमारी बड़ी कीमती है, एक तिनका हमारी आँख के अंदर चला जाए इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कल अगर इसी आँख के अंदर लोहा पिघला या वो शीशा जब डाला जाएगा कैसे बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए मेरे अजीज, अपनी निगाहों को पर्दा दो, अपनी निगाहों को बापर्दा बनाओ, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, वरना तो याद रखना हमारी इबादत का मज़ा हमें नहीं आ सकता। हत्ता के शाह हकीम अख्तर अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, सुनहरे औराक के अंदर इनके इनके हवाले से
ये जुमला मिलता है कि वो फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी लाख उमरा कर ले, हजार हज कर ले, उसके बावजूद भी अगर इसने अपनी निगाहों की, अगर इसके मुकाबले के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा है, तो इसकी निगाहों की हिफाजत करना ये हज और उम्रे से बढ़कर है, क्योंकि ये हक बड़ा अहम है, ये फर्ज है, ये हक इसकी इसको हिफाजत के साथ रखना ये हर मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और हज हर कस व नाकस के ऊपर फ़र्ज नहीं है। वमन लम यस्ततिअ मिन्हु, जो आदमी इसकी इस्तेआत रखता है उसके ऊपर सिर्फ हज फर्ज है, हर कस व नाकस पर हज फर्ज नहीं। लेकिन आँखों की हिफाजत हर कस व नाकस के ऊपर फ़र्ज है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सुनते रहते हैं यूसुफ़ आला नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या, और इसी तरह बहुत सारे हमारे मुसन्निफ़ीन गुजरे हैं, बहुत सारे औलिया किराम गुजरे हैं, जिनके हयात के सवाने, जिनके सवाने हैं हयात, जिनके तस्करे हम पढ़ते हैं। लेकिन आप गौर करना कि वो इतने आला मकाम के ऊपर किस तरह पहुँचे थे, तो उसके अंदर ये इफ़्फ़त व इस्मत मेन चीज़ मिलेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इफ़्फ़त व इस्मत को अपने सीनों से लगाएं, इफ़्फ़त व इस्मत के साथ ज़िंदगियां गुजारने वाले बने। हमारी निगाहें औरतों के ऊपर ना पड़नी चाहिए, हमारी निगाहें ये अल्लाह की अमानत है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। और दूसरी जगह कुरान करीम के अंदर इरशाद खुदावंदी है, इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, कि कल क़यामत के दिन इन आँखों से भी पूछ होगी, इन कानों से भी पूछ होगी, दिलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे, जिस्म के हर हर उज़्व से पूछ होगी। और सूरह यासीन के अंदर तो इरशाद खुदावंदी है, अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और एक जगह इरशाद खुदावंदी है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम वारजुलहुम बिमा कानू यअमलून, के उस दिन सूरह यासीन का तस्करा, के उस दिन आज हम जबानों के ऊपर मुहर लगा देंगे, जबानों को इजाज़त नहीं होगी कि तुम बात करो, उनके हाथ गवाही देंगे कि इसने फुला काम किए, उनके पैर गवाही देंगे कि इसने फुला गुनाह का इर्तिकाब किया है। और जब जबानों को इजाज़त दी जाएगी तो जब जबानें हमारे मुआफ़क़त के अंदर गवाही नहीं देगी, बल्कि जबानें भी हमारे खिलाफ गवाही देगी, हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने इससे फुला गुनाह किए, फुला काम किए, और ये सब तो गवाही देंगे। और फिर सूरह ज़िलज़ाल के अंदर वाख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, ज़मीन अपने बोझल को निकालेगी, ज़मीन इंसानों के गुनाह को, इंसानों के अच्छे अमाल को, इंसानों के बुरे अमाल को सामने जाहिर कर देगी। इंसान कहेगा मा लहा, इसको क्या हो गया है, वो कहेगी तो हद दे तो भी अखबार रहा, कि आज परवरदिगार आलम ने इसको अपनी खबरों को बयान करने का हुक्म दिया है। तो इन चीज़ों से हम कैसे बच सकेंगे, हम कोई गुनाह कर रहे हैं, तीन CID हमारे साथ है, एक तो फरिश्ते हमारे नामे अमाल को लिख रहे हैं, और एक तो जिस ज़मीन के ऊपर हम गुनाह कर रहे हैं वो ज़मीन सारे रिकॉर्ड कर रही है, जिस तरीके से एक कैमरा अपने अंदर सारी चीज़ों को, सारे मनाजिर को रिकॉर्ड करता है और मेमोरी को अंदर महफूज रखता है, इसी तरह इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ने ऐसी मेमोरी रखी जो कभी भर नहीं सकती, और यह हमारे गुनाहों को, हमारे अच्छे अमाल को रिकॉर्ड कर रही है। और एक जिस उज्व के ज़रिए से हम कोई गुनाह का इर्तिकाब करेंगे वो उज्व कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी निगाहों को हिफाजत के साथ रखें, अपनी निगाहों को हिफाजत के साथ रखें, अपनी निगाहों को हिफाजत के साथ रखें, वरना इबादत का मज़ा नहीं आ सकता। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।